As good morning to all of you. We are doing the revision of this chapter, chapter number 4, Thinkers, Building and Beliefs. उसमें कल हमने जो एम सी क्यूज किए थे उसमें आज के कॉन्टिन्यूशन जो एम सी क्यू है वो है हु वर थेराज, TheraS, हिंदी में थेरा. हु वर थेराज, TheraS, हिंदी में थेरा. थेरा कौन थे? ऑप्शन ए, रिस्पेक्टेड टीचर्स ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन. पुरानी परंपरा के माननीय अध्यापक. बी, फॉलोवर्स ऑफ महावीरा जैन, महावीर जैन के अनुयायी. आर्यन उस सीट पे बैठो. के अनुयायी. सी, ग्रेट वॉरियर ऑफ मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य के वीर योद्धा. डी, एडवाइजर्स ऑफ द किंग्स, राजा के सलाहकार. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए, रिस्पेक्टेड टीचर्स ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गजलक्ष्मी. गजलक्ष्मी कौन थी? ए ऑप्शन, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी. ऑप्शन बी, द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, अच्छे भविष्य की देवी. सी, द गॉडेस ऑफ लाइट, प्रकाश की देवी. डी, द गॉडेस ऑफ वॉर एंड लव. युद्ध और प्रेम की देवी. आंसर इज बी, गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, अच्छे भविष्य की देवी. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट वाज द लिटरली मीनिंग ऑफ महायान एंड हीनयान. हीनयान और महायान का साहित्यिक अर्थ क्या था. व्हाट वाज द लिटरल मीनिंग ऑफ महायान एंड हीनयान. हिंदी में महायान और हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या था?
या साहित्यिक अर्थ क्या था? ऑप्शन ए ग्रेट नॉलेज एंड लेसर नॉलेज, महान ज्ञान और कम ज्ञान, महान ज्ञान और कम ज्ञान ए ऑप्शन है। ऑप्शन बी ग्रेटर नॉलेज एंड ग्रेटर लेसर नॉलेज, ऑप्शन बी ग्रेटर थिंकिंग एंड लेसर थिंकिंग और कम ज्ञान। बी ऑप्शन है ग्रेटर थिंकिंग एंड लेसर थिंकिंग, महान सोच और कम सोच, सी ग्रेटर व्हीकल एंड लेसर व्हीकल, महान वाहन और कम वाहन, महान वाहन वाहन और कम वाहन, डी ग्रेट ह्यूमन एंड लेसर ह्यूमन, ग्रेट ह्यूमन एंड लेसर ह्यूमन। व्हाट विल द आंसर? Anybody knows? C. महान मानव और निम्न मानव, कम की जगह निम्न भी कर सकते हैं आप सब जगह, ठीक है। ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या है, सही है C. ग्रेट व्हीकल एंड लेसर व्हीकल। 10 अवतार वाला क्वेश्चन हो गया था कल, गर्भगृह क्वेश्चन हो गया था। Which statement is not correct with Purans? Next question. कौन सा कथन पुराण के लिए सही नहीं है? कौन सा कथन पुराण के लिए सही नहीं है? Option A. These were written in simple Sanskrit verses. These were written in simple Sanskrit verses. यह साधारण संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, यह साधारण साधारण संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। B. These were accessible to women and shudras also. These were accessible to women and shudras also. महिलाएं और शूद्र भी इसको पढ़ सकती थी। C. It contains stories of god and goddesses. It contain story of God and goddesses. इसमें देवी और देवताओं की कहानियां होती थी। D. They were compiled by the Kshatriyas. डी इनका संकलन या इनकी रचना क्षत्रियों के द्वारा की जाती थी, इनकी रचना क्षत्रियों के द्वारा की जाती थी। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डी। यस आंसर विल बी डी। आंसर डी का मतलब क्या हो गया? इसकी रचना किसके द्वारा की जाती थी? ब्राह्मणों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा इसकी रचना। यस ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नंबर अभी आज के 3rd क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ले रहे हैं बेटा हम असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस।
अभिकथन और कारण, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, स्टेटमेंट में आपको पता करना होता है कि भाई ये कथन सही है, और अगर दूसरा कथन क्या उससे रेलिवेंट है या नहीं है, पहला कथन सही है या गलत है। चार ऑप्शन होते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। पहले ए, उसमें ऑप्शन क्या क्या होते हैं, एक होता है ए एन आर, ए मीन्स असर्शन एंड रीजन, ठीक है। असर्शन मीन्स उसका उसका स्टेटमेंट और उसका कारण, अभिकथन एक कथन कहा गया है और उसका कारण, ये दो आपको दिए होंगे। उसका चार ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है ए एन आर, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऐसा स्टेटमेंट होगा जो दोनों सही होंगे, और जो दूसरे नंबर वाला होगा वो पहले वाले का एक्सप्लेनेशन है। इज इट क्लियर। क्वेश्चन जो बी ऑप्शन होता है वो क्या होता है, ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज